Assalamualaikum friends. आज हम लोग linguistic, language and linguistic fifth paper, masters of English का जो है उस पर उसके एक topic पर हम लोग आज बात करेंगे. Welcome to the video. So historical linguistic. This is the study of how languages change over time. Language किस तरह से वक्त के साथ साथ change हुई है ये उस पर बात की जा रही है. Addressing such questions as Why modern English is different from old English and middle English? क्यों modern English जो है वो middle English और old English से different है modern English, okay? जो आजकल में बोली जा रही है, आजकल जिसका ज़्यादा English का मतलब new words आ रहे हैं और बहुत advanced होती जा रही है. So, or what it means to say that English and German are more closely related to each other than English and French, historical or diachronic. Linguistic in the study of language change over time. Linguistic जो है और diachronic and historical ये सब जो study हैं ये language के change over time पर हैं. Which includes describing, जो कि include करते हैं describe करना and explain करना. In describing and explaining changes in language over time. हम explain कर रहे हैं कि language कैसे चेंज होती रही है वक्त के साथ साथ. इस चीज़ पर है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक की हिस्ट्री, बेसिकली हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज द हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक किस तरह से टाइम के साथ साथ चेंज होती रही है. रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है. टू एक्सप्लेन रिलेटेड लैंग्वेजेस, उससे रिलेटेड लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए लिंग्विस्टिक की जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है रिलेटेड लैंग्वेजेस में. एंड डेवलपिंग थ्योरी अबाउट लैंग्वेज चेंज, और लैंग्वेज के चेंज होने के बारे में डेवलप की हुई थ्योरीज कौन सी हैं. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक ऑल्सो कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक. अच्छा देखा जाए तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जो है वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जो है वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी कहलाता है. इज द साइंटिफिक स्टडी, जो कि साइंटिफिक स्टडी है. हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंड या डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो भी आप बोलें इसको, ये एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की चेंज ओवर टाइम, जो वक्त के साथ साथ बदलती गई. प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, ये वो उसूल हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक से. इनमें इंक्लूड है टू डिस्क्राइब एंड अकाउंट फॉर ऑब्जर्व चेंजेस. ये डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं उन अकाउंट्स को जो कि ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व जिन्होंने चेंजेस को ऑब्ज़र्व किया है पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में, ख़ास लैंग्वेजेस में चेंजेस जो बदलाव जो तब्दीलियां आई हैं उन तब्दीलियों को इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है. टू रिकंस्ट्रक्ट द प्री हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्री हिस्ट्री क्या थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. एंड टू डिटर्मिन देयर रिलेटेडनेस, और उन के जो इरादे हैं उससे जितने भी रिलेटेड इरादे हैं उनके, कि वो मज़ीद इस पर क्या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री में जो कुछ है उसके अलावा मज़ीद क्या करेंगे ये लोग उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. ग्रुपिंग देम इनटू लैंग्वेज, उसको उन लैंग्वेज जो है उनको ग्रुप्स में तकसीम करेंगे फैमिलीज कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में. टू डिवेलप जनरल थ्योरीज, जनरल थ्योरीज को बनाने के लिए डिवेलप करने के लिए अबाउट हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंज, कि लैंग्वेज किस तरह से चेंज हुई और लैंग्वेज किस तरह से चेंज होगी मज़ीद आगे. हाउ लैंग्वेज विल चेंज फर्दर. टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ स्पीच कम्युनिटीज, डिस्क्राइब करने के लिए हिस्ट्री ऑफ स्पीच कम्युनिटीज, स्पीच जो करती हैं जिन कम्युनिटीज़ में स्पीच हो रहा है मतलब जो बातचीत हो रही है उसकी हिस्ट्री हमें पता ही नहीं है. हम जो जवान नस्ल मतलब न्यू जो हम जनरेशन आ रही है वो सिर्फ अपनी फैमिलीज़ अपने आसपास के माहौल को देख के तो जो वो बोलते हैं उनकी ज़ुबान पर हम चल रहे हैं. हमें नहीं पता ये लैंग्वेज कहाँ से आई है, हमें नहीं पता ये लैंग्वेज किसने बनाई है, हमें नहीं पता इसमें कितनी मज़ीद एडवांस होनी है या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है लैंग्वेज. जैसे कि हम देख रहे हैं हम किस टाइम से क्या पढ़ते आए और अब मज़ीद एडवांस होने लग गई है इंग्लिश. सो ये चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है मज़ीद. हाउ एंड वाई लैंग्वेज चेंजेस, कैसे चेंज हो रही है जैसे कि हमने बोला. टू डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़, डिस्क्राइब करने के लिए स्पीच कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री को. टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स,
हमें हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की स्टडी भी करनी है साथ साथ में, टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ स्पीच कम्युनिटीज, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एग्जांपल एटमोलॉजी, जैसे कि एटमोलॉजी है। इस तरह से हम लोग मज़ीद फर्दर आगे पीछे जो हम स्टडी कर चुके हैं हिस्टोरिकल में कि क्या किस तरह से इंग्लिश आती रही, जैसे हमने पढ़ा कि 15th सेंचुरी से लेकर इंग्लिश ने मज़ीद आगे तरक्की की और अब वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह से हम इंग्लिश जिस तरह से आगे जाती जा रही है, जिस तरह से फर्दर बढ़ रही है आगे और एडवांस हो रही है, उस हिसाब से ये जो हम आज बोल रहे हैं ये भी कल को कोई हिस्ट्री में पड़ेगा। ये है सारी हिस्ट्री, इट्स सो सिंपल, इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है लैंग्वेज के हवाले से, कितनी चेंजेस आई हैं और क्या क्या हुआ है। ये एक डेवलप करने वाली एक हिसाब से स्टडी है कि इसमें डेवलपमेंट हमने पढ़नी है कि इंग्लिश कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।